नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़ और मैं हूं मयंक यादव। इस वक्त हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के फ्रेंड्स कॉलोनी में, जहां विद्युत विभाग की बढ़ती हुई लापरवाही को देखते हुए 11,000 की लाइन जो लगातार यहां मौत का सबाब बनने वाली है, मगर शासन प्रशासन और विद्युत विभाग के कर्मचारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगातार हम जो है ये यहाँ के लोग सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि इस तार को ऊंचा होना चाहिए, मगर कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ के कॉलोनी वासी कुछ लोग हमसे जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं इसके विषय में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह यादव है। हम बहुत परेशान हैं, यहाँ 11,000 की लाइट गुजर रही है। ये समस्या कब से है? ये करीबन कोई 2 साल से। ये आपने कब किस किस को इसकी शिकायत दर्ज कराई? हमने यहाँ जय को भी जैसे भी कहा था, और लाइन मैन आते हैं उनसे भी कहते हैं, वो कुछ ध्यान नहीं देते इस तरफ और ऐसे करके चले जाते हैं तारों। आपका क्या नाम है भाई साहब? ये भाई साहब, ये समस्या कब से है? समस्या कम से कम 1 साल रहा था। अच्छा, ये जो है ये आपने इसकी शिकायत किसकी? नहीं, कई बार साहब जेई साहब से भी शिकायत कर चुके हैं हम। अच्छा, और एडीओ साहब से भी शिकायत कर चुके हैं, किसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया? कोई ध्यान नहीं दिया। देखिएगा, कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लगातार हम आप उनसे बात करेंगे इसके विषय में, क्या क्या परेशानी है। लोगों के घर यहाँ पर हैं, लोग परेशान हैं, मगर विद्युत विभाग इसकी जो है कोई भी अपनी हट पर लगा हुआ है, कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। क्या आपने विद्युत विभाग के कर्मचारियों को किसी को जैसे यहाँ आए तो शिकायत करी? अच्छा, ये ठीक होना चाहिए? होना चाहिए, ये तो ठीक है, ये तो सबके लिए खतरा है। एक गाड़ी भी आके टकरा गई थी इससे। आपका क्या नाम है? नाम मेरा राजवाला। अच्छा, ये जो है तार उठना चाहिए ऊपर नहीं उठना चाहिए? सही बात है, उठना चाहिए, बचने चाहिए, बच्चे हैं, सभी रहते हैं यहाँ पर। देखिएगा, लगातार हम आपको बता दें ये समस्या लगातार यहाँ बनी हुई है, कोई भी जो है इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। देखिएगा, लगातार मैं आपको दिखाऊं नज़ारा यहाँ का, देखिएगा क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है यहाँ की। तार बिल्कुल नीचे है और आपको मैं दिखाऊं, मेरे सिर से बिल्कुल ये मिल भी रहा है। लगातार देखिएगा, बारिश का इस टाइम समय है, कोई भी हादसा यहाँ किसी भी वक्त हो सकता है। तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि ऐसे भ्रष्ट जो है, जो कि ये विद्युत विभाग के कर्मचारी, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें निलंबित करना चाहिए। अमरोहा से ब्यूरो रिपोर्ट, मयंक यादव, इंडियन टीवी न्यूज़, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज़ नेटवर्क।